हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता वुमेन। हम लोग ट्रैवलिंग से वापस आ चुके हैं, जस्ट दो दिन हो गए। तो यहाँ पे बारिश हुई है और घर बहुत अस्त व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी सी अपडेट देने के लिए बना रही हूँ कि वहाँ का ट्रैवलिंग कैसी थी, कैसा रहा सब कुछ, सारा एक्सपीरियंस मैं आपको देने वाली हूँ। देखिए, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप कोशिश करिए कि सोलो ट्रिप के बजाय आप ग्रुप में ट्रिप करिए। ग्रुप ट्रिप में आपको फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी, आप भी आसपास के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज़ बच्चे ही देखते रहेंगे। और आप सोलो अगर ग्रुप ट्रिप कर रहे हैं तो पैसे की पुलिंग जो है वो आप पहले कर लीजिए, है ना। बाद में करने के बजाय पहले करिए, और किसी एक पे बर्डन नहीं आएगा, सभी लोग अपने अपने को देंगे, ठीक है। और क्या बताऊँ, और आप कंफर्टेबल ड्रेस पहनिए। जो मुझे एक्सपीरियंस लगा वो मैं कंफर्टेबल ड्रेस पहनिए, क्योंकि अगर हम ड्रेस में ज़्यादा बिजी रहेंगे तो हम कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो आप एक्सप्लोर करिए, ढीले ढाले कपड़े पहनिए, ज़्यादा फैशन में नहीं, ठीक है। तो ये तो रहा ट्रैवलिंग ट्रिप्स। सेकेंड थिंग है कि अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो उनको आप एक उनके साथ तो अगर ग्रुप में ट्रैवल करें तो उनके अंदर एक बाउंडिंग आती है, ताकि अलग अलग लोगों के साथ सर्वाइव करना, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, है ना। उसके साथ साथ बहुत ही वो मोर एडवेंचरस होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के लिए। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप जैसे छोटे छोटे काम उनको ट्रैवलिंग में करा सकते हैं, कि अच्छा जाके टिकट का पैसे पूछ के आओ, टिकट कहाँ से मिल रहा है। तो ऐसे जो बड़े बच्चे हैं अपने सुपरविजन में, आप छोटे छोटे उनको, इससे वो उनको फ्रीडम, है ना, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये है। और बच्चों को बोलिए, ये देखिए हम लोग अभी नेचर वॉक पे निकले हैं, और मैं बताने वाली थी, अगर बच्चों को आप कोशिश करिए कि उन्हें उनसे बोलिए कि आप अगर बस से या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखें, बाहर को देखें, और आपको ऑब्जर्व करना सीखें कि आसपास क्या दिख रहा है। जैसे अगर बाहर खेत दिख रहा है तो खेत है, हाँ खेत बोया गया है कि नहीं, उसमें क्या उगाया गया है, अगर मिट्टी कैसी है, किस कलर की है, है ना। और साथ में बोल सकते हैं जैसे कि कोई भी फसल उगती है तो जब आधी उगती है तो कैसी दिखती है, क्या बोलते हैं, जैसे कि एक ट्रैक्टर हुआ, ट्रैक्टर या हल में क्या अंतर है, क्या यूज़ है, या सिंचाई जो उस तरह से, मतलब अलग अलग चीज़ें। जैसे आप बाहर क्या देखोगे, पहाड़ देखोगे या तो खेत देखोगे, यही था मोस्टली मार्केट देखोगे। तो बच्चे अतर्फ कम होल्ड माई हैंड, डोंट गो टू फार। तो हम लोग देखिए अभी बारिश हो गई है तो सड़क पूरी तरह से भीग गई है। हम लोग इस तरह से नेचर वॉक पर निकलते हैं, और यहाँ पर सड़क पर सेंटरपीड और वो स्नेल, है ना, तो ये सब दिखाई देते हैं। एरोप्लेन वेयर, हाँ। और ठीक है, तो ये बच्चों का एक्सपीरियंस है, बच्चों को ऑब्जर्व को, हाँ फ्रॉग मिल, हाँ फ्रॉग भी भाई दिखाई, मे बी सम डार्क देयर, यू कैन वो दिस सम नो डार्क, अच्छा ठीक है, नो मे बी डार्क, हाँ यस लिटिल बिट, ओके कम फ्रॉम दैट साइड, ओके वी विल कम फ्रॉम दैट साइड, यस वी विल कम बैक अगेन, वेट वेट मे बी समवन की कॉलिंग मी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, आई विल गो एंड कम बैक अगेन, ओके लेट मी, हाँ जस्ट लेट मी मेक माई वीडियो। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, बता ये रही थी, हाँ बच्चों को, और बच्चों का ये है कि आप उनसे, उनका इससे उनका जी के अच्छा होगा अगर आप उनसे पूछते, उनको आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बताते, आप उनसे पूछे कि आप कहाँ गए थे, क्या देखे, ठीक है। तो ये बच्चों का पार्ट हुआ, बड़ों का पार्ट, आप ट्रैवलिंग का पार्ट, बड़ों का पार्ट में, और क्या एक्सपीरियंस आपको दूँ, क्या हुआ, चलो ठीक है, हाँ चलते हैं भैया तरफ को, उधर जाना, हाँ। तो मैं ये बोलती हूँ, ट्रैवलिंग से आप नई नई चीज़ों से रूबरू होते हैं, रूबरू से मुझे याद आ रहा है कि जैसे हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे ना, वहाँ पे जो हमारा हिमालयन रेंज था, और वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे फ्रूट्स दिखाई दिए जो मैंने नहीं देखे हैं, जैसे पाइन एप्पल फ्रूट के साथ मैंने पेड़ तो देखा है, उसका फ्रूट्स के साथ नहीं देखा है, या लाल बनाना नहीं देखा है, एक क्या एक फ्लावर था रेड रेड या लाल बुरांश करके है वहाँ का, हाँ हाँ, तो वो मैंने देखा नहीं था। तो जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि अरे भाई ये भी होता है, अगर वैसे मैं देखती तो मुझे लगता है ये कलर पेंट किया गया है, कलर करके बनाना बनाया गया, बट वहाँ पे लाल बनाना होता है, आप हिमालयन रेंज पे देखेंगे या ईस्ट के साइड आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब है, यू कैन लर्न अलॉट बाई सिंपली ट्रैवलिंग। तो ट्रैवल करिए, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे, या भगवान की बात करें, भगवान राम की बात करें, सभी लोगों ने ट्रैवल किया है, और ट्रैवल का परिणाम ये रहा है कि वास्को डी गामा ने ये अपना भारत को खोजा है, और कोलंबस ने अमेरिका को खोजा है, है ना, ये सब घूमने का परिणाम है। नहीं तो कोई जानता क्या कि भारत भी कोई कंट्री है, या हम लोग अदर कंट्री को जानते, नहीं जानते, है ना।
अच्छा है, घूमना अच्छा है। और लास्ट में आपको रिव्यू में ये बताऊंगी कि आप जहाँ पे भी जाइए वहाँ से कुछ लेके आइए या फिर वहाँ पे फोटो क्लिक करिए, और जहाँ पे भी घूम रहे कहाँ घूमे क्या देखे उसको कहीं पे एक डॉक्यूमेंट करिए, एक लिखिए उसको, ठीक है। तो इससे आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी कि आपने कहाँ कहाँ घूमा। और बस अच्छा रहा रिव्यू, बहुत अच्छा रहा। आपकी कंपनी ग्रुप में, आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो भी आपका कंपनी में है मतलब ग्रुपिंग में जो भी फ्रेंड है वो कंजूस नहीं होने चाहिए, मैं इतना कहूँगी। अगर आप कंजूस रहे या बहुत ही मतलब पैसे देने में कंजूसी है ना हर चीज़ में, या बहुत ही क्यूरियोसिटी उनकी नहीं है, फिर आपको ट्रैवलिंग में मज़ा नहीं आएगी। और इनफैक्ट लास्ट में आते आते आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने इंडिया में या कहीं पे भी दो चीज़ एक साथ नहीं होती, एक पैसा और समय, दो चीज़ एक साथ आपको कभी नहीं मिलेगा। जहाँ पैसा होगा, अगर भाई देवे कोई बहुत बड़ा अधिकारी तो उसके पास समय की कमी है, उसके पास पैसे हैं, या कोई निठल्ला बैठा है तो उसके पास समय बहुत है, पैसे की कमी है, तो दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी मिले तो इसका समय का यूज़ करिए, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक चीज़ करके आप दोनों चीज़ पा सकते हैं। अगर आप YouTube पे ट्रैवलिंग की वीडियो बनाते, ये आइडिया मुझे ट्रैवलिंग के समय आता था कि अगर आप ट्रैवलिंग की वीडियो बनाते हैं, किसी प्लेस पर जाते हैं, ट्रैवलिंग की वीडियो बनाते हैं, वहाँ के बारे में सब कुछ लोगों को अपडेट करते हैं, तो इससे आपको क्या होगा, आप ट्रैवलिंग भी कर ले रहे हैं, YouTube आपको पैसा भी दे रहा है। ये कहना बहुत आसान है बट ऐसा हो नहीं सकता, ये मतलब बहुत मुश्किल है। तो लेकिन आप YouTube पे ट्रैवलिंग की वीडियो बना के दोनों चीज़ हासिल कर सकते हैं, ये जस्ट ऑप्शन है। पता नहीं ये ऑप्शन आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। और मैंने अपने ट्रैवलिंग में बहुत से ट्रैवलर से बात किया, बहुत ज़्यादा ट्रैवलर जो अलग अलग आए थे उनसे बहुत सी चीज़ें बातें करते थे, तो मुझे बहुत सी रीज़न समझ में आया। कुछ लोग पहली बार घूमने आए थे, कुछ लोग बहुत कम घूमते हैं, तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि लोग घूमते क्यों नहीं हैं, उनका रीज़न क्या है। तो अच्छे अच्छे भी ऑप्शन आए। एक तो फाइनेंशियल इशू आता है कि लोग पैसे नहीं होते, चलो ठीक है, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि भाई फाइनेंशियल सबके पास नहीं होता। अदर प्लीज़ बी विद मी प्लीज़, फाइनेंशियल इशू आता है। दूसरा ये होता है कि लेक ऑफ कंपनी, अगर उनके पास या तो फैमिली कंपनी नहीं या फ्रेंड की नहीं या पार्टनर्स की नहीं है तो वो घूम नहीं पाते हैं, और जो सोलो ट्रिप होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। ये सब है। एक तो बहुत ही फनी था, उनको तो मैं बहुत हंस रही थी, वो बोले थे, मैंने बोला कि भैया आप क्यों नहीं घूमते हैं, आप पहली बार, तो पहले तो कुछ नहीं बोले, कुछ तो बोलिए ना, आपने बोला ना कि हम ज़्यादा नहीं घूमते क्यों, तो उन्होंने बहुत सोच के बोला कि हमारे बूढ़े माँ बाप हैं। तो कहने का मतलब, अगर बूढ़े माँ बाप है तो उनको छोड़ के कैसे कोई जाएगा, उनके पास पैसा भी है, उनके पास समय भी है, बस उनके पास जिम्मेदारी है, तो बूढ़े माँ बाप को छोड़ के तो घर में नहीं कोई घूमने जाता, तो उनकी ये प्रॉब्लम थी। ये भी प्रॉब्लम है, सही है, बिल्कुल सही है, मुझे भले हंसी आई लेकिन ये बात सही है। और क्या है, और आपको मैं बोलूँ तो हेल्थ इशू है, कुछ लोगों ने बोला कि भैया मुझे मोशन सिकनेस है या मिचली आती है या बहुत दिन बाहर का खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द होने लगता है, तो मैं हेल्थ घूमना चाहता हूँ बट हेल्थ की इश्यू की वजह से नहीं घूम पाता हूँ। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से लोग इंडिया नहीं घूमते, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर घूमिए और भारत को देखिए। भारत को अब इंडिया घूमेंगे तो आप उसकी विशेषता को जानेंगे। तो चलिए बस यही रिव्यू रहा, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रही, नेक्स्ट किसी ट्रैवलिंग पर जाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी, और अब रेगुलर वीडियो आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।